एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस इनसाइट एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो चेंजेस आई है, जो अमेंडमेंट आई है उसको। बाय नोटिफिकेशन नंबर 4/2023 अमेंडेड सब रूल 4A ऑफ रूल 8। रूल 8 के अंदर 4 के बाद सब रूल 4A ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया, देन उसकी 4A की अब ये जो अमेंडमेंट आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। The date of submission of registration application shall be the date of authentication of the Aadhaar number or 15 days from the submission of the application in Part B of Form GST REG 01 under Subrule 4, whichever is valid. आपको पता है कि जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसके अंदर एक हमारे क्या रहता है कि आधार से ऑथेंटिकेशन करवाना, ठीक है? तो हम इसे ऑप्ट कर सकते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट करते हैं। तो अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया है तो उस केस में उसने क्या बोला है, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जो जीएसटी के लिए जो हमने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगाई है उसकी डेट ऑफ सबमिशन क्या मानी चाहिए, जिस दिन हमने आधार को ऑथेंटिकेट कर दिया, या तो वो डेट या फिर 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, या फिर जिस दिन हमने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, सबमिट किया हुआ जब हमारे 15 दिन हो जाएंगे, तो दोनों में से जो अर्लियर होगा उसे कंसिडर किया जाएगा सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की डेट, उसे कंसिडर किया जाएगा। लेट अस सपोज इसके अंदर हम कहते हैं कि हमने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया और हमने 15 दिन से पहले ही आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया, देन तो हमारे आधार ऑथेंटिकेशन करने वाली डेट हो जाएगी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इन केस अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लिया बट हमने वहां पे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो वहां से जिस दिन से हमने अपनी एप्लीकेशन फाइल की है उसके 15 दिन के अंदर हमारे पास EIN नंबर जो है वो आ जाएगा और बिना आधार ऑथेंटिकेशन के ही आ जाएगा। और आपको पता है अगर आप उस केस में आधार ऑथेंटिकेशन को आप नहीं करते हो तो आपको कौन से प्रोसेसर के ऊपर जाना पड़ता है, फिजिकल वेरिफिकेशन की। तो दैट मींस अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट कर लिया और 15 दिन के अंदर अपने अपने आधार ऑथेंटिकेशन को नहीं किया तो उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट मानी जाएगी और सबमिट होने के बाद आपका पीवी जो है उसके ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सब रूल 4A क्या कहते हैं। एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 4 बाय अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 60 ऑफ सेक्शन 25, जिनके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा जो भी पर्सन जो अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं हु इज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, जो आधार ऑथेंटिकेशन को ही ऑप्ट करते हैं एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स। इसके अंदर उसने क्या बोल दिया, आपने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया, आधार ऑथेंटिकेशन आपकी हो भी गई, अगर आपका वहां पे डिस्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर अदर रिस्क पैरामीटर्स के अंदर अगर आपका वहां पे नाम आ गया, शेल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, उस केस में आपकी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन भी की जाएगी एंड द टेकिंग ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल, उसके फोटोग्राफ भी ली जाएगी। मीन्स आधार ऑथेंटिकेशन के बाद का प्रोसीजर ये कह रहे हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन, एक तो उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले आप लोगों ने ऑप्ट किया है आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हो देन इट्स ओके, आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप नहीं करते हो तो 15 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन सीधी पीवी के अंदर मूव हो जाएगी, ठीक है? अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया तो पहले क्या होता था, आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपका प्रॉपरली सक्सेसफुल हो गया तो उस केस में आपका जीएसटी नंबर आ जाता था। अब उसको उन्होंने और थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर कर दिया, आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद अगर आपका डाटा जो है वो रिस्क पैरामीटर के अंदर चला गया तो उस केस में आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन रहेगा, देन आपकी फोटोग्राफ होगी और ऑफ सच इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द एप्लीकेंट एज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन सी 6C ऑफ सेक्शन 25 वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल। अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल नहीं है मीन्स अगर वो फर्म है, फर्म के केस में पार्टनर हो गया, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स हो गया, तो उस केस में उसने क्या बोले, इज नॉट एन वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
अगर इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल, और अगर वो इंडिविजुअल नहीं है मीन्स फर्म के केस में पार्टनर और कंपनी के केस में डायरेक्टर का, तो उस केस में क्या होगा, अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी RUG 01। आपने RUG 01 कौन सा फॉर्म हमारा रहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेने का। RUG 01 के अंदर हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर्स नोटिफाइड बाय द कमिश्नर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल। तो आपको फैसिलिटेशन सेंटर जो बने होंगे वहां पे आपको अपनी ओरिजिनल कॉपी लेके जाना पड़ेगा उसको वेरीफाई करने के लिए। एंड द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस लेड डाउन अंडर दिस सब रूल। तो इसके बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है कंप्लीट मानी जाएगी। मीन्स पहले क्या होता था कि अगर हम आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट करते हैं और हमारा आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, आधार ऑथेंटिकेशन हमारा कैसे होता था कि आधार नंबर के साथ जो लिंक हमारा मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी होती थी उसके ऊपर जब हमारा ओटीपी आता था, अगर वो उसके थ्रू हमारा सक्सेसफुल हो जाता था देन द प्रोसीजर इज कम्प्लीट। अब उसके अंदर उसने क्या बोल दिया, अगर आपने सबसे पहले उसने स्टेप क्या बोला, फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके उसने लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट किया, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करने के बाद अगर आपने 15 डेज के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया देन इट्स ओके। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो वो बार बार आपको नहीं बोलेगा आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके 15 दिन के बाद जो है आपके पास ARN आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपकी वो PV के अंदर फाइल चली जाएगी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब आधार ऑथेंटिकेशन इन केस अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया तो आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद क्या रहेगा, अगर आपका नाम जो है वो रिस्क पैरामीटर्स के अंदर आ गया तो उस केस में आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, उसमें आपकी फोटोग्राफ भी लगेगी, आपके जो भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स RUG 01 के अंदर लगाए हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल कॉपी लेके आपको जाना पड़ेगा फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर, वहां पे भी आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रॉस चेक करवाने पड़ेंगे, तभी आपका ये जो आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो ये वाली जो चेंज हुई है ये भी हमारी अप्रैल 2023 से ये वाली जो चेंज आई है GST के अंदर जो अमेंडमेंट आई है, सो दैट मीन्स आज की डेट में अगर आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेनी है तो वो कॉम्प्लिकेट प्रोसेस हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ। तो पहले ही आपको पता है कि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसी के अंदर थोड़ा सा ई स्टेप आया था हमारे पास आधार ऑथेंटिकेशन, तो अब उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन भी कॉम्प्लीकेट कर दिया। हालांकि पहले हमारे पास ये जो प्रेस रिलीज आई थी जो हमारी GST काउंसिल मीटिंग्स हुई थी उसके अंदर डिस्कस किया गया था कि बायोमेट्रिक बेस्ड वाला ये जो प्रोसीजर है वो रखा गया था, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन रखा गया था, तब उन्होंने इस चीज को एप्लीकेबल भी कर दिए। आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपकी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड फोटोग्राफ होगी, देन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाने के लिए। तो अब जब भी आप अपनी आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अगर आप GST रजिस्ट्रेशन लें तो मेक इट श्योर कि आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर हों, और आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपने ऑप्ट किया है तो 15 दिन से पहले पहले आप उसकी आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो जरूर कर दें, अदरवाइज वो सीधा सीधा PV में चला जाएगा। और अगर 15 दिन से पहले पहले आधार ऑथेंटिकेशन करते हो तो देन ये वाला एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इसको करने के बाद ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।